काफी लोग की चाहत होती है कि वे सर्दियों में ऐसे इलाकों में घूमने जाएं, जहां बर्फबारी हो रही हो और नज़ारा देखने लायक हो। अगर आप भी ऐसी इच्छा रखते हैं तो आइए जानते हैं भारत के ऐसे ही 5 जगहों के बारे में। नंबर 1, भारत चीन सीमा के पास बसा यह तवांग पहाड़ी कस्बा अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर देश का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मौजूद है, जिसके दर्शनों के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटकों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। यह पहाड़ी कस्बा भूटान के पूर्व और असम के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3048 मीटर है। सर्दियों में यहाँ पर जमकर बर्फबारी होती है, जिसके चलते यहाँ पर पानी से लेकर सब कुछ जम जाता है। नंबर 2, जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में ऊंचाई पर बसा गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में इस स्थान पर मखमली बर्फ की सफेद परत बिछ जाती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक इस जगह का रुख करते हैं। पर्यटकों के लिए सर्दियों में यहाँ पर स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग समेत कई प्रकार की रोमांचकारी गतिविधियाँ आयोजित होती रहती है, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3, अगर गुलमर्ग की दूरी या खर्चे को देखकर वहां का प्लान नहीं बनाना चाहते और स्कीइंग जैसे विंटर स्पोर्ट्स का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपके लिए उत्तराखंड का ओली हिल स्टेशन बढ़िया पसंद बन सकता है। दिल्ली से ओली की दूरी केवल 370 किलोमीटर है। ओली समुद्र तल से करीब 2500 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ एक प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट है, जहाँ आपको स्कीइंग समेत दूसरी रोमांचकारी गतिविधियां करने को मिलेंगी। नंबर 4, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल इलाके में खीरसू नाम का हिल स्टेशन है। यह हिल स्टेशन समुद्र तल से 1760 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहां पर बर्फ से ढकी जादुई घाटी और देवदार के लंबे पेड़ आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। खीरसू में प्रकृति की एक मधुर धुन महसूस होती है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को दीवाना बना देती है। बर्फबारी के दिनों में इस स्थान पर बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़ते हैं, जिसके बाद यहाँ का नज़ारा देखने लायक हो जाता है। नंबर 5, लद्दाख एक ऐसी जगह है जो साल के 12 महीने पर्यटकों की मेन लिस्ट में शामिल रहता है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे बर्फ से लदे पहाड़, सांप की तरह आड़ी तिरछी बहती नदियाँ, सदियों पुराने मोनेस्ट्रीज और जगह जगह बनी झीलें पर्यटकों को बार बार अपनी ओर खींचती हैं। अटल सुरंग बनने के बाद यहाँ पर साल के 12 महीने सड़क मार्ग से आवागमन संभव हो गया है। तो आपको जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करें और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।